जरूरी है। हाजा के लिए रोजा की कजा है, नमाज की नहीं। हमारे आमतौर पर ये ख्याल पाया जाता है ना कि अगर पीरियड्स आ भी जाएं तो रोजा नहीं तोड़ना चाहिए और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, उस दिन का हो जाता है। ये ख्याल गलत है। दूसरा ये कि ये कहा जाता है कि चले अगर नहीं खाए पिएंगे तो रोजे का सवाब मिल जाएगा, ऐसी भी कोई बात कहीं नहीं लिखी। जब रोजा हुआ ही नहीं तो सवाब काहे का मिला? नापाक हालत में रोजा रखने का ये सवाब है, उल्टा गुनाह है। यानी नापाकी में किसने रोजा रखने को कहा? और जब रोजा ही नहीं तो खाना पीना क्यों हराम कर लिया अपने ऊपर? ये दीन में खुद साख्ता पाबंदियां हैं। बाज़ औक़ात एकदम शुगर लेवल डाउन हो जाता है या कोई और तकलीफ होती है, दवा लेने की जरूरत होती है, तो ऐसे में बेजा की पाबंदी के नहीं रोजा रखे चले जाओ, जैसे आमतौर पर हमारे माशरे में ये चीज पाई जाती है, तो दुरुस्त नहीं। अन अबी सईद अल खुदरी रضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حادت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري। हजरत अबू सईद खुदरी रضي الله عنه कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं कि जब औरत को हैज आए तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों के दीन में कमी की यही वजह है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। यानी बहरहाल जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसका सवाब तो नहीं ना, ये अलग बात है कि वो एक माजूरी की हालत है, तो ऐसे में इसको कम्पनसेट करने के लिए कुछ जिक्र अजकार और तस्बीहात कसरत से करनी चाहिए। इससे न सिर्फ ये कि वो सवाब का नुकसान पूरा होता है बल्कि जो डिप्रेशन की एक हालत आने लगती है उसका इजाला भी हो जाता है, आजमा कर देख सकते हैं। और नुकसान दीन हा के कई एक माने हैं। ये जो अरबी लफ्ज है ना नुकसान दीन, नुकसान अरबी में कमी को कहते हैं। कुरान पाक में आपने पढ़ा ना, वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल। नक्स नक्स उर्दू में कहते हैं खराबी को, ठीक है? ये मैं इसलिए यहाँ पर वाजे करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो इन अल्फाज का सही माना और रूह नहीं समझते, वो बसा औकात औरतों को प्रोवोक करते हैं ये कहकर, देखो इस्लाम ने तुम्हारे साथ कैसी ज्यादती की, और इस्लाम में तो औरत को कोई हैसियत ही नहीं दी गई, उसके दीन में भी नक्स बताया गया। तो नक्स और नुकसान कमी के लिए है, किसी ऐब और खराबी के लिए नहीं। अब आप देखिए कि नमाज में तो कमी होती है लेकिन उस वक्त में जो तकलीफ की अजियत की कैफियत होती है उसका सिला भी मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया ना ये। तो जो चीज अल्लाह ताला की तरफ से आती है उस पर इंसान सब्र करे, जैसे बाजू को पेन बहुत है या कोई और ऐसी कैफियत है, तो ये ऐसे हालात में सब्र करना जो है वो अजर का सबब है। अगर इधर से कमी हुई तो उधर से बढ़ भी गया अजर, ठीक है? दूसरी बात यह कि कमी से मुराद नमाजों की तादाद में कमी है, जिसको आप बाद में आम हालात में नफल वगैरह पढ़ के भी पूरा कर सकते हैं, या फिर ये कि कमी से मुराद इस एतबार से कमी भी है कि एक मसलन तहज्जुद की रूटीन आप बनाते हैं या नमाजों में खुशू खुजू की रूटीन बनाते हैं, एन अभी आप उस हालत में होते हैं कि नमाज छूट जाती है, अब क्या हो गया? ना सिर्फ ये कि वो चंद दिन नमाजों की कमी, बल्कि दोबारा एक अच्छी हालत में आने के लिए, दोबारा से नई आदत बनाने के लिए फिर एक मुश्किल पड़ जाती। तो बाज़ औक़ात लोग नमाज ही छोड़ देते, बमुश्किल आदत पड़ने लगती है कि छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी होते ही